देखें, अंडर एस्टिमेट तो किसी भी टाइम ही नहीं किया सकता। क्रिकेट है, चीज़ें लेके अप एंड डाउन चीज़ें चलती हैं। जिस तरह देखें, थ्रू आउट काफ़ी सीरीज हम काफ़ी अच्छी खेलते आ रहे हैं, होम में भी खेले हैं, यहाँ पे भी खेले हैं, और हमने डोमिनेट किया है। और कोशिश करेंगे कि देखें ऑन द डे अच्छी क्रिकेट खेलें, हमारे हाथ में एफर्ट है और हम एफर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे और एफर्ट दिखाएंगे, और रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह सारे लड़के एक्साइटेड हैं और फॉर्म में, तो इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखेंगे। To be honest, similar to Asian conditions, as we know, they have like Pakistani Indian conditions. So you take time in the batting time, and you in the bowling you just hit the length and in good area. So yeah, we will try to our best in the tomorrow. कोई लड़का ऊपर से अगर नहीं चलता तो मेडल ऑर्डर में हमारे इतफार है, सलमान अली आ गए हैं, सरदार है, नवाब है, कोई एक लड़का चलता था। इस पर पहले भी एक देखी जा सकती है, प्रैक्टिस हो चुकी है, तो कल के लिए क्या प्लान देता है? कोई नंबर शफल करने के लिए देता है ऊपर सलाब को बनाने या नवाज को ऊपर बनाने के लिए? जिस तरह पिछले एशिया कप में देखा हमने कि नवाज ऊपर आए थे और भारत के खिलाफ परफॉर्म कर गए, कोई सोचा हुआ है कि इस तरह की कंडीशन आती है? क्योंकि अगर बारिश भी एक्सपेक्टेड है, हमारे बॉलर्स भी नंबर वन है रोहित भी, इसको मान के गए, क्या देखें, जो नॉर्मल है जो हमारी टॉप ऑर्डर है वो वही रहेंगे, और मिडल ऑर्डर में देखें अगर ऊपर से स्टार्ट अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन जो गुड थिंग है वो जो हमारे मिडल ऑर्डर एक स्ट्रगलिंग कर रहा था वो परफॉर्म कर रहा है और वो स्टेप अप कर रहे हैं, और जिस तरह इफ्तिखार की इनिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, सलमान अली आ गया है, और जिस तरह जो हमारी बेस्ट 11 हो उसको लेके चलें। और जहाँ तक आपने बारिश की बात की, यहाँ तो को जितना मैं 2 महीनों में जितना मैंने यहाँ खेला है, यहाँ पे बारिश का कोई पता नहीं लगता। आप देखते हैं कि रडार में बारिश है लेकिन कभी कभार होता नहीं है, तो इस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं रखता। कल का दिन देखेंगे, लेट्स सी। जी देखें, इससे पहले हमारी अफगानिस्तान की भी सीरीज थी, वो भी इसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन थी, एशिया कप के लिए। देखें, एशिया कप आप छोटा टूर्नामेंट नहीं कह सकते, एशिया की बेस्ट टीमें इसमें खेल रही हैं और बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो इसको आप किसी भी टाइम पे ईजी नहीं ले सकते। और प्रिपरेशन बिल्कुल वर्ल्ड कप की है, लेकिन अभी फ़िलहाल फोकस एशिया कप पर है और कोशिश करेंगे कि अच्छा खेलें। देखें, एशिया कप जब अनाउंस हुआ था तो हमारे पास शेड्यूल था और हमें पता था कि ये ट्रैवलिंग हमारे हिस्से में आएगी, और लेकिन उसके लिए हम प्रिपेयर थे। और मेरे ख्याल से जो फिजियो और ट्रेनर ने लुक आफ्टर किया, डॉक्टर ने, उसी तरह का प्लान किया था। ये हमने जब शेड्यूल अनाउंस हुआ उसी टाइम से हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, हमने किस तरह चलना है, किस तरह प्लेस को लेकर चलना है, किस तरह हमने लुक आफ्टर करनी है। तो एज अ प्रोफेशनल आप इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं। देखें, कोई कुछ भी आ सकता है, जिस तरह हम मैच में बात करते हैं कि किसी भी कंडीशंस में आपको खेलना पड़ जाता है, तो ये भी एक क्रिकेट का हिस्सा है, इसी को आपको लेके चलना पड़ता है, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। तो वो हम प्रिपेयर हुए हैं और इतनी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस ऑन द डे आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह खेलते हैं, और पाकिस्तान टीम काफ़ी कॉन्फिडेंस है और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। Thank you.
चेंज हैं, क्योंकि ऑथर आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए, बहुत बड़ा फाइनल जीतने का तजर्बा रखते हैं, उनके आने से अब हम जो फाइनल में प्रॉपर तय करते हैं, तो ये शायद अच्छी नजर आ रहा है आपको? मेरे ख्याल से थ्रू आउट जो लास्ट तो यहाँ पर देखिए बाबर आजम जिस तरीके से बयान भी दे रहे थे और मतलब थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी मोनू यहाँ पर नज़र आ रही थी मुझे लगता है बाबर आजम, हालांकि अभी कुछ टेक्निकल इशू है, जैसे ही सॉर्ट आउट होता है तो एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चलेंगे। लेकिन मोनू मिडिल ऑर्डर संतुलित नज़र आ रहा है हमारा, पहले फायर नहीं कर रहा था लेकिन अब मिडिल ऑर्डर फायर कर रहा है, अगर हमारा टॉप ऑर्डर फायर नहीं कर पाता है तो हम नवाज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? हमारा जो प्लेइंग इलेवन है वो काफ़ी समय से तय है, हम श्रीलंका में कॉम्बिनेशन है जी। हमने आपने नोट किया होगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी ट्राई किए होंगे हमने, और हम कोशिश करें कि अपना जो बैलेंस साइड है उसको जितना मैक्सिमम हो सके अपॉर्चुनिटी देंगे बड़े इवेंट से पहले। और अगला क्या सवाल था आपका? मिकी, देखें मिकी के साथ हमारा जो सफ़र था, हम उनके अंडर ही खेले थे जब वो आया था, तो हमारा जो ब्रॉटअप था उनके अंडर ही हुआ, बिल्कुल काफ़ी फ़र्क पड़े।